हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आरबीएससी की बुक के अंतर्गत हम लोग हिंदी व्याकरण में कर रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज हम करेंगे लोकोक्तियां। ठीक है, तो लोकोक्तियों को भी आप लोगों को ध्यान देना है जिस तरीके से आपने मुहावरे पर ध्यान दिए हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है और कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से लोकोक्ति कौन सी है, मुहावरा कौन सा है। तो अंतर तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अंतर क्या होता है मुहावरे और लोकोक्तियों में। मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं, लेकिन लोकोक्ति जो होती है वो अपने आप में पूरी होती है। वहीं अगर बात करें कि लिंग, वचन, काल आदि का मुहावरों पर असर होता है, मुहावरों पर परिवर्तन आता है, लेकिन लोकोक्तियों में लिंग, वचन, काल इसका कोई भी परिवर्तन नहीं आता। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि मुहावरे के अंत में आपको क्रियासूचक शब्द जो है वो 99% मिलेंगे, करना, होना, ठीक है, भरना, उगलना, दौड़ना, डालना, ऐसे मिलेगा आपको मुहावरे में। तो अगर बात करें कि लोकोक्तियों के अंत में आपको क्रियासूचक शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन यदि मिल भी जाता है, क्योंकि बहुत कम ही लोकोक्तियां ऐसी होती हैं जहां आपको क्रियासूचक शब्द मिलेंगे, आपको मोस्टली मिलेंगे किसमें, मुहावरों में। तो इस चीज को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं लोकोक्तियां। लोकोक्तियां होती क्या है, जो कि समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती हैं। ठीक है, जो कहावतें होती हैं वही कहलाती हैं लोकोक्तियां। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इच्छित वस्तु की प्राप्ति। तो यहां पर एक बात समझने की है आपको, और वो क्या कि लोकोक्तियां जो है वो जिस तरीके से उसमें जो शब्द होते हैं उसके अर्थ में वो शब्द नहीं होंगे, लेकिन वो उसी के भाव को प्रकट करेंगे। अब अंधा एक व्यक्ति है, उसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या होगी कि वो दो आंखें चाहेगा। तो ये क्या है, अंधे की क्या है, सबसे बड़ी इच्छा। ठीक है, तो अर्थ में भी यही है, देखिए, इच्छित वस्तु की प्राप्ति। अंधेर नगरी चौपट राजा, तो नगरी जो है वो अंधेर क्यों हुई, क्योंकि वहां का राजा चौपट है। तो बोल दिया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो ये कहावत ही है, यानी कि अयोग्य प्रशासन। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, अपने यानी कि जो उसके सगे हैं या जो उसकी हेल्प करते हैं उनको क्या बांट रहा है अंधा, रेवड़ी। अब देखिए अर्थ में, अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की ही मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति। ठीक है, सफल की प्राप्ति। अंधे के हाथ बटेर लगना का क्या अर्थ है कि अंधा है लेकिन फिर भी उसके हाथ बटेर लग गई, यानी कि बिना परिश्रम के ही उसको सफल की प्राप्ति हो गई, क्योंकि वो क्या था, अयोग्य था, फिर भी उसे प्राप्ति हो गई सफलता की। नेक्स्ट है, अंधों में काना राजा, सभी अंधे हैं और फिर भी एक राजा निकल कर आया, वो भी कैसा है, काना राजा। मूर्खों के बीच में अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो क्या है, अंधों में काना राजा है। ठीक है, उन मूर्खों के बीच में एक बुद्धिमान है, वही राजा है, इसका अर्थ यह है। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल यानी कि आधा जल है गगरी में और वो भी झलकत जाए। अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, यानी ज्ञान तो इतना नहीं है उसके पास, कम ज्ञान है और फिर भी बहुत इतरा रहा है। तो गगरी जो है आधी है फिर भी झलक रही है, ज्ञान नहीं है उसको इतना, फिर भी वो क्या, इतरा रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, जैसी करनी है तो वैसी ही क्या, उसकी पार लगेगी। मनुष्य ने जैसा कर्म किया है वैसा ही उसे फल मिलेगा। तो यहां तक जो मैंने आपको करवाए हैं लोकोक्तियां, तो आपको अब समझ में आया होगा कि लोकोक्तियां का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता,
यानी अकेला आदमी जो है वो बड़ा काम नहीं कर सकता। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इस लोकोक्ति से आप लोग बहुत ज्यादा परिचित हैं। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी बाद में पछताने से क्या होता है जब हानि हो चुकी हो। अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, इसका अर्थ है कि परिश्रम तो किसी और ने की है और फल किसी और को मिला है। अंडे सेवे कोई और जो बच्चे हैं वो लेवे कोई, ठीक है। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, तो बिल्कुल अपोजिट बात ही है। जब अंधे के आगे रोओगे तो क्या होगा, वो व्यर्थ ही है। उसके आगे अपना दुखड़ा गाओगे तो वो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि उसे तो आपका रोना दिखाई नहीं देगा। अर्थ है देखिए, सहानुभूतिहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है। अक्ल बड़ी या भैंस, अब देखिए अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ आप बिल्कुल नहीं लगाइएगा कि भैंस तो आकार में बड़ी होती है और अक्ल जो है जो कि हमारे दिमाग में वो छोटी होती है, ठीक है। लेकिन अक्ल जो है वो बड़ी होती है। कैसे? अक्ल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, तो शारीरिक बल जो है उससे सर्वश्रेष्ठ क्या है, बुद्धि बल। आगे देखिए, अटका बनिया दे उधार, मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी कर सकता है, ठीक है। अटका बनिया दे उधार, यानी कि मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी कर सकता है। अपना रख पराया चक, खुद का तो रख लिया और दूसरे का चक रहा है। स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना। तो लोकोक्तियां जो होती हैं वो बहुत ही आसान होती हैं, यहाँ आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी सबकी अपनी अपनी ढपली है और अपना अपना ही राग है, सब अलग अलग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तालमेल ना होना, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, इसका अर्थ क्या है कि बेमेल प्रबंध सामान्य चीजों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना। अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि जो खुद के हाथों से कार्य किया जा सकता है तो वही क्या है, सही है। अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का तो क्या है, अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है। बुद्धिहीन किंतु संपन्न, दिमाग तो नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, धन से संपन्न है। आंख बची और माल यारों का, ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है, इसका अर्थ क्या है, आंख बची और माल यारों का, ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। आधी छोड़ पूरे ध्यावे, आधी मिले न पूरे पावे, आधी छोड़ पूरे ध्यावे, आधी मिले न पूरे पावे। अर्थ देखिए, अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना। तो ध्यान देना है, आधी छोड़ पूरे ध्यावे, यानी आधी है ना उसको तो छोड़ दिया है और पूरे पे ध्यान लगा रखा है, तो उसके क्या होगा, ना तो वो आधी मिली और ना ही वो पूरी मिली। तो अधिक लालच के चक्कर में क्या होता है, वस्तु या लाभ जो है जो उपलब्ध थी वो भी खो बैठते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ है कि आम के तो आम मिले ही लेकिन जो आम की गुठलियों थी उसके भी दाम मिल गए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसान से आप एक भी लोकोक्तियां जो है वो गलत नहीं करेंगे। अब देखिए, आम के आम, भाई आम है उनके साथ गुठलियों के भी दाम लग गए तो दुगना फायदा हुआ ना। आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास, इसका अर्थ है कि किसी बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना किंतु छोटे कार्य में लग जाना। हरि भजन जो है वो सबसे बड़ा कार्य है व्यक्ति का, और कपास ये तो उस गृहस्थ इंसान का कार्य था। तो आए तो थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ किया था लेकिन वही छोटे कार्य में लग गए। आगे कुआ पीछे खाई, यानी ही दोनों तरफ से ही क्या है, संकट है।
सब और कष्ट ही कष्ट होना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। आगे नाथ न पीछे पगहा, पूर्णतः बंधन रहित बेसहारा। आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी आगे पीछे कोई नहीं है। आप भले तो जग भला, यानी जब खुद ही अच्छे हैं तो सब जो अच्छा होता है उसको सभी अच्छे दिखाई देते हैं। स्वयं भले होने पर आपको भले लोग ही मिलते हैं। आसमान से गिरा और खजूर में अटका, काम पूरा होते होते व्यवधान आ जाना। आठ कनौजिए नौ चूल्हे, आठ कनौजिए नौ चूल्हे। कनौजिए कितने हैं? आठ, और चूल्हे कितने हैं? नौ। तो अब क्या होगा? फूट होगा, अलगाव होगा। वही चीज ज्यादा है और लोग कम है तो क्या होगा? आपस में फूट होगी। इन तिलों में तेल नहीं, कुछ मिलने या मदद की उम्मीद ना होना। अब तिल में क्या होता है? तेल होता है, लेकिन इन तिलों में तो तेल ही नहीं है, यानी कुछ मिलने या मदद की उम्मीद ना होना। इधर कुआ उधर खाई, तो हमने अभी देखा था चारों तरफ ही क्या है? कष्ट या संकट। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, उंगली पकड़ते पहुंचना पहुंचा पकड़ना, थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना, या फिर कह सकते हैं कि भाई हथेली दी और बाजू पकड़ ली। थोड़ी सी मदद हमने दी थी और उसने तो क्या कर दिया? अपना ही अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। यानी उल्टा चोर, पहले तो खुद ही चोर है और चोर होने पर भी डांट किसको रहा है? कोतवाल को। तो इसका अर्थ क्या होगा कि खुद दोषी है और निर्दोष पर क्या कर रहा है? दोष आरोपित कर रहा है। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, यानी उल्टा कार्य करना। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अधिक आपूर्ति कम। अब ऊंट तो कितना बड़ा है और उसके मुंह में जीरा छोटा सा, आवश्यकता ज्यादा है और आपूर्ति कम है। ऊंची दुकान फीका पकवान, कितनी बार हम लोग ये कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? मात्र दिखावा, कह देते हैं ना कि इस दुकान में तो क्या है, इस तरीके का सामान है। दुकान तो देखने में ऊंची है लेकिन इसके अंदर जो पकवान है वो फीका है, मात्र दिखावा है। ऊंट किस करवट बैठता है, परिणाम किसके पक्ष में होता है? अनिश्चित परिणाम। तो ये बोलने का मतलब यह है, ऊंट किस करवट बैठता है, कि देखेंगे आप ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। जिस करवट बैठेगा उसी तरफ झुकाव उसी के पक्ष में होगा। ऊधो का लेना न माधो का देना, मतलब कोई लेन देन नहीं है, ना ही ऊधो का लेना है ना ही माधो का देना है, तो कोई लेन देन ही नहीं है, किसी से कोई लेना देना न होना। उधार का खाना फूस का तापना, उधार का खाना, खाना भी क्या है? उधार का है, और ताप भी रहे हैं फूस का। यहाँ पर कोई कष्ट हुआ क्या? कोई कष्ट नहीं हुआ। बिना परिश्रम दूसरों के सहारे जीने का निरर्थक प्रयास करना। उधव की पगड़ी माधव का सिर, किसी एक का दोष दूसरे पर मढ़ना। एक अनार सौ बीमार, अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक अनार सौ बीमार। वस्तु अल्प यानी कम वस्तु है लेकिन उसको लेने की इच्छा रखने वाले लोग ज्यादा हैं। एक ही तो है अनार और बीमार कितने हैं? सौ। तो अर्थ क्या हुआ? वस्तु अल्प चाह अधिक लोगों की। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, भाई दोनों ही कड़वी हैं, करेला भी कड़वा है नीम भी कड़वा है। एक अधिक दोष होना, यानी पहले तो दोष थे एक या दो, अब क्या है? एक से अधिक दोष हैं। तो एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, क्या कभी आपने इसका अर्थ लगा के देखा? एक व्यक्ति की बुराई से क्या होता है? पूरे परिवार की बदनामी होती है। एक तो चोरी दूसरा सीना चोरी, वही बात हो गई कि एक तो अपराध किया है और ऊपर से रोब और दिखा रहा है, एक तो चोरी की और दूसरी सीना चोरी। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, एक तलवार में तो एक ही
एक म्यान में तो एक ही तलवार रह सकती है, तो दूसरी तलवार कैसे रहेगी? तो इसका अर्थ है कि दो समान अधिकार वाले व्यक्ति एक कार्य नहीं कर सकते। एके साधे सब सधे, सब साधे जब जाए। तो इनका थोड़ा सा टुकड़ा करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा इनका अर्थ। एके साधे सब सधे, सब साधे जब जाए, इसका अर्थ क्या होगा कि एक समय में एक ही कार्य करना फलदायी होता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, तो कैसे हैं वो सब? एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक थैली में एक जैसे ही होंगे। समान दुर्गुण वाले एक से अधिक व्यक्ति होना। इस तरीके से देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों में आपको अंतर तो समझ में आया ही होगा। इसके बाद की लोकोक्तियां जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आपकी लोकोक्तियां जो है समाप्त हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।